हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो का एग्ज़ाम था 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का, वो हो चुका है। 12 बजे आपका एग्ज़ाम फिनिश हो गया था और यहां पे बहुत सारे टॉपिक स्टडी के स्टूडेंट जो थे वो एग्ज़ाम देने गए थे, तो उनसे मेरी बात पहले से हो रखी थी। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेके आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सभी दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चल सके किस तरीके का एग्ज़ाम लेवल आ रहा है आपके एग्ज़ाम में। और सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कैसा पैटर्न रहा है आगे आपका, अगर कल एग्ज़ाम है तो आपको कैसे क्या चीज़ें पढ़ के जानी है, किस तरीके से पढ़ के जाना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और हर एक शिफ्ट का मैं पेपर एनालिसिस अपलोड करने वाला हूँ, तो फटाफट से इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं टारगेट रखता हूँ आज की वीडियो का 2000 लाइक का, जो कि आप फटाफट कंप्लीट कर ही देंगे वो मुझे पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, तो आपका मथुरा में होती है। और आपका ये भी नेक्स्ट शिफ्ट में कल पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो ये गोरखपुर में होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका मुगलों का अंतिम शासक कौन था। तो ये बहादुर शाह सेकंड ये मुगलों का अंतिम शासक था, और यहाँ पे इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जफर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट था आपका, पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, गणेश वासुदेव मावलंकर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूपी के पहले गवर्नर कौन थी, तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। देखिए कैपिटल से क्वेश्चन आ रहे हैं, करेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो जीके का पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। ओवरऑल जो मैंने पूरा पेपर को एनालाइज किया है वो जो मुझे लगा है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जीके ज़्यादा आ रही है, कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नोट कर लीजिए आज रात में, जिनका कल एग्जाम है तो पढ़ के जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान काबुल आपका हो जाएगा राइट आंसर। करेंसी ऑफ तुर्की भी पूछा गया था, तो तुर्किस लीरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो करेंसी भी यहाँ पे पूछी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम पूछा गया आपका, तो भूपेश बघेल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी करंट भूपेश बघेल राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जौनपुर किस नदी के पास है, तो गोमती यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गोमती रिवर, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया है, कल ही मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर एनालिसिस किया था उसमें आपको बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, रंजन गोगोई राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा मुझे एग्जाम जो अभी लग रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल ऑफ इथोपिया, तो कैपिटल ऑफ इथोपिया पूछी गई है आदिस अबाबा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के देखिए एक ही शिफ्ट में कई आपके पेपर होते हैं, तो किसी में पहला मुख्यमंत्री पूछ लिया गया है, किसी में पहला गवर्नर पूछ लिया गया है, तो पहला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के झंडे का डिजाइन किसने किया, तो पिगली बैग का राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा। तो देखिए कितना सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान कराने के लिए महाविश्वविद्यालय खोला है। तो यहाँ पे ये देखिए आंसर हो जाएगा बलरामपुर, और मैं आपको बता देता हूँ जो थारू जनजाति है वो आपका गोरखपुर और गोंडा में भी पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार आपके 6 हैं, जो कि 7 थे एक हटाकर, जो एक आपका फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको हटाकर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, मतलब उसको हटाकर अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब उसको बना दिया गया है, तो वो अब किस में है, वो 300A में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो अब किस आर्टिकल के अंडर में आता है, तो न्यू प्रोविज़न आपका आर्टिकल 300A में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बताया थोड़ा सा डिस्क्राइब करके। और ये 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये भी याद रखेगा, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको हटाया गया था, इसलिए पूछा गया कि अब पहले 7 थे अब 6 हो गए। नोटबंदी कब हुई थी, तो देखिए ये क्वेश्चन अगर सही में पूछा गया तो कितना इजी सा ये क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 को, इसको बच्चे बच्चे भी जानते होंगे। एक देखिए बहुत ही अच्छा सा और सिंपल ही है ये भी, कि भोजपुरी और किस देश में बोली जाती है, तो मॉरिशस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस में भी भोजपुरी बोली जाती है, और जो वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर है वो भी मतलब भोजपुरी बोलते हैं, उनको भी मतलब भोजपुरी आती है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहा था, तो ये चंद्राडू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चंद्राचूड़, ठीक है, सॉरी चंद्राचूड़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करता है, तो ये चीनी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और SSC के चेयरमैन भी यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये अभी बहुत ही विवादों में रहे हैं, जब SSC का स्कैम इतना बड़ा वो चला था आपका प्रोस टेस्ट, तो उसमें असीम खुराना का आपने खूब नाम सुना होगा, तो SSC के चेयरमैन अभी कौन है, असीम खुराना। तो दोस्तों एक तो मैं आपको बता दूँ, एग्जाम आपका ऑफलाइन हो रहा है, बट क्वेश्चन पेपर वहीं पर सबमिट कराया जा रहा है, जैसे बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पर और जितने क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग बताई जा रही है बहुत ही मतलब सिंपल थी, कोई हार्ड नहीं था, जितना मैंने पढ़ाया था रीजनिंग में वो टोटली कवर किया गया है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि उसी में से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ा है मेरे जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बन सकता, इस तरीके से मैंने पढ़ाया था। डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, ठीक है, मिरर इमेज वोटर इमेज में आपके मिरर इमेज में एक क्वेश्चन तो ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई अल्फाबेट आपको दे रखा था उसका पूछा गया था, और वोटर इमेज में आपको कोई इमेज दे दी गई थी उस इमेज का आपका वोटर इमेज पूछ लिया गया था। स्लोगिज्म के कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ये अभी क्वेश्चन नहीं पता चला तो मैं आपको जैसे ही पता चलता है उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन ना ऑन नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। फिर एक आपका काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन था, तो काउंटिंग फिगर का भी क्वेश्चन था, सीरीज आपकी नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। एनालॉजी की बात की जाए तो एनालॉजी से क्वेश्चन थे, क्लॉक से क्वेश्चन थे, कैलेंडर से भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो क्लॉक कैलेंडर, देखिए क्लॉक का एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 1947 में कोई डेट बता के कि इसको ये दिन था, तो आपका नेक्स्ट दिन पूछ लिया गया था, मतलब नेक्स्ट ईयर में उसी डेट का दिन पूछ लिया गया था, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ये मैंने आपको करा रखा है। ब्लड रिलेशन में दोनों तरीके क्वेश्चन देखे गए हैं, पॉइंट वाले भी क्वेश्चन देखे गए हैं, और आपका जो होता है मतलब एक डायग्राम बना के आपको करने पड़ते हैं वो क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, फिगर वाले क्वेश्चन आपके काउंटिंग फिगर वाले भी थे, और फिगर जिसमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं वो फिगर वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके का आपका पूरा का पूरा पेपर था, अगर आपने देख ली है ये वीडियो यहाँ तक तो आप शेयर तो इसको जरूर करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, पूरी की पूरी PDF दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ाया है और आपके सारे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए एक बार चैनल पर चलते हैं दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल पे, ठीक है, और मोबाइल पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको ये प्लेलिस्ट देखनी होती है जो डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सारी की सारी वीडियो, क्योंकि करंट अफेयर से लेकर के करंट अफेयर GK की अगर बात की जाए करंट अफेयर से क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, और अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, और यहाँ पे आपका देखा जाए तो स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश की GK ज़्यादा देखने को मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेलिस्ट आपको कैसे चेक करनी है। आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखता है, टॉपिक स्टडी सर्च करिए, चैनल आपको मिल जाएगा, चैनल की प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आ गया चैनल, यहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाती है, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है, तो आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है। प्लेलिस्ट में डेली आपकी करंट अफेयर की वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अभी देखिए एक सेकंड मेरे को दीजिए आप, मैथ हो गया, रीजनिंग के 200 रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, प्लस मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज की बात करूँ तो यहाँ पे 206 वीडियो अभी तक मैंने अपलोड की है। अगर आपने ये सारी देख रखी होगी तो यहाँ पे GK का एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी मैं बोल सकता हूँ कि बाहर से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट के आपके ऑनलाइन टेस्ट प्लस आपकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज जिसमें आपका उत्तर प्रदेश GK का सारा पोर्शन कंप्लीट किया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सभी एग्जाम के लिए मैंने कर रखा है, RPF के लिए भी है और सभी टेक्नीशियन ग्रुप D, ठीक है, और भी यहाँ पे आपका रीजनिंग की मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, रीजनिंग हरियाणा ये हो गया, RPF हो गया, रीजनिंग की देखिए ये वाली रीजनिंग की आपकी RPF के लिए जो मैंने लिख रखा है ये वाली सीरीज भी आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट, मतलब वही है सीरीज जिसमें भी अच्छे लेवल के मैंने सारे क्वेश्चन है। ALP टेक्नीशियन वाली सीरीज भी पूरी की पूरी आपके लिए थी, और यहाँ पे ग्रुप D वाली भी रीजनिंग मैंने करा रखी है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी मैंने रीजनिंग की, जैसे हो गया ये रीजनिंग का ये पूरा का पूरा 127 वीडियो का कोर्स। अगर आपने सारी वीडियोस देख रखी है तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर से पूछा गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करी आपको पूरी पसंद आएगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, इसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।
टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च करना है टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारी पीडीएफ आपको लाइन से मिल जाती है, देखिए सारी पीडीएफ डेली अपडेट सब कुछ मिलता है यहाँ पे, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करंट अफेयर और जीके के और जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।